अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिला और उनके माध्यम से एक मांग पत्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा है। संघ के जिला प्रधान भूटू राम ने बताया कि शिक्षा विभाग में 160 जलवाहक 31 मार्च को अपना 13 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिनमें से शिक्षा विभाग के 40 पदों पर 33 जलवाहकों को नियमित किया जाना चाहिए, लेकिन शेष बचे जलवाहकों को पद रिक्त न होने के कारण नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों में शीघ्र 127 जलवाहकों को नियमित करने का काम करें और ताकि इन लोगों को लाभ मिल सके। जलवाहकों को 14 वर्ष से 13 वर्ष सेवाकाल पूरा करने पर नियमित करने का जो लाभ प्रदेश सरकार ने दिया है, संघ ने उसी मांग के जरिए ये अपील की है। साथ ही संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उनकी मांगों को मानने के लिए आभार भी व्यक्त किया। काली जलभाग जलभागम सेवादार का जिला अध्यक्ष बुटोराम हूं। आज हमने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को एक विज्ञापन सौंपा। विज्ञापन प्रशासन से हमारी विधि पूर्वक से मांग थी कि शिक्षा विभाग में 13 साल पूरा कर चुके जलभागों को जो सरकार ने नियमित करने का निर्णय लिया, उसमें संगठन ने मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रकट किया, धन्यवाद किया। साथ में मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई है कि जिला मंडी में शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2020 को 160 जलवाहकों ने अपना 13 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो 40 पद होने के नाते शिक्षा उप शिक्षा निर्देशक के आदेशा के अनुसार शिक्षा विभाग ने 33 जलवाहकों को नियमित कर दिया गया है, बाकी 127 जलवाहकों को जो नियमित होने का लाभ नहीं मिल सका। तो सरकार महोदय से मेरा विनय निवेदन रहेगा, मेरी मुख्य मांग रहेगी कि सरकार महोदय जी, इन लोगों का जो 13-14 साल का तपस्या होने के उपरांत आज भी जलवाहकों को भी निराशाजनक की रही, क्योंकि एक गरीब परिवार जो आज 2700 रुपये में अपना परिवार का पालन पोषण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जिला मंडी में स्वास्थ्य विभाग में, कृषि विभाग में, आईपीएच विभाग में, अन्य विभागों में जो सैकड़ों पद सेवादार के खाली चले हैं, तो शिक्षा विभाग छोड़कर इन जलवाहकों को अन्य विभाग में भेजने की कृपा करें, यही हमें आपसे उम्मीद है। जय जलवाहक संघ। सरकार इन जलवाहकों को अन्य विभाग में नियमित नहीं करेगी तो सरकारों को जलवाहकों को अपना एक सरकार के प्रति एक संवेदना प्रति एक साधारण रूप से एक रैली निकाली जाएगी, वो बीडीसी के माध्यम से सरकार को विज्ञापन भेजा जाएगा।